जो कि दो सब हेडिंग्स में डिवाइडेड है एक तो है कांग्रेस एज अ सोशल एंड एन आइडियोलॉजिकल कोएलिशन और दूसरा है टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस तो हम अभी जो है कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन को देखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस को डिस्कस करेंगे ठीक है तो गाइस जो कांग्रेस पार्टी थी बेसिकली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी लेगेसी है वो फ्रीडम स्ट्रगल और जो नेशनल मूवमेंट है वहाँ से इनहेरिट करी थी उसके बाद बहुत से जो लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के वो उस स्ट्रगल के फोरफ्रंट में थे एंड फिर वही लीडर्स जो थे वो इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे थे एज कांग्रेस कैंडिडेट्स कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी एंड जब तक बाकी जो पार्टीज हैं वो स्ट्रेटजी के बारे में सोचती कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम पे अपना कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर लिया था तो कांग्रेस पार्टी उन पार्टी से बहुत ही ज्यादा आगे थी इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद बहुत सी पार्टीज जो हैं वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे फॉर्म हुई थी लेकिन कांग्रेस जो है वो उससे पहले से थी तो ये एडवांटेज कांग्रेस के पास एग्जिस्ट कर रहा था उस टाइम पे तो ये सब एडवांटेजेस कांग्रेस पार्टी के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी अब जो कांग्रेस की डोमिनेंस को एक और फैक्टर जिसने उसको कंट्रीब्यूट करा है वो है कि कांग्रेस जो थी वो एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोल्यूशन बन गई थी तो इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं ठीक है कांग्रेस बिगन एज अ पार्टी दैट वाज डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट अपर मिडिल क्लास एंड अर्बन एलीट तो कांग्रेस जब शुरुआती दौर में एक ऐसी पार्टी थी जो कि इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट अपर मिडिल क्लास एंड अर्बन एलिट से डोमिनेटेड थी ठीक है तो ये क्लास वहाँ पे उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी और बाकी जो इंक्लूजन है वो नहीं था बाकी क्लासेस का ओके विद एवरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दैट इट लॉन्च द सोशल बेस वाइड तो हर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ जो कांग्रेस का सोशल बेस है वो वाइडन होता चला गया ब्रॉड होता चला गया मतलब बढ़ता गया एंड इट ब्रॉट द डाइवर्स ग्रुप्स हुज इंटरेस्ट वर ऑफन कॉन्ट्रोडिक्टी तो ऐसे जब इसका सोशल बेस जो है बढ़ता गया तो उससे क्या हुआ जो डाइवर्स ग्रुप्स थे अलग अलग ग्रुप्स जिनके इंटरेस्ट एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी थे मेल नहीं खाते थे मैच नहीं करते थे ये उन ग्रुप्स को साथ में लाता गया ठीक है तो इससे जो है कांग्रेस का जो बेस है वो बढ़ता गया इट्स लीडरशिप ऑल्सो एक्सपैंडेड तो जो इसकी लीडरशिप थी सोशल बेस वाइडन होने के साथ साथ लीडरशिप भी एक्सपैंड होती चली गई बाई टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तो इंडिपेंडेंस के टाइम आने तक the congress was transformed into a rainbow like social coalition rainbow like social coalition broadly representing india's diversity in terms of classes and castes religion and languages and various interests to independence ka time aane tak Congress जो थी वो एक रेनबो लाइक सोशल कोलिशन बन गई यानी कि उसमें बहुत सी डाइवर्स क्लासेस थी कास्ट थे रिलीजन अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग एंड ऐसे भी लोग जिनके इंटरेस्ट जो थे वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे तो रेनबो जैसे कि बहुत सारे कलर्स को एक साथ इंक्लूड करता है वैसी ही सोशल कोलिशन बन गई थी कांग्रेस ठीक है तो इंडिया की डाइवर्सिटी को एक तरह से कांग्रेस उस टाइम पे रिप्रेजेंट कर रही थी अब मेनी ऑफ दीज ग्रुप्स मर्ज देयर आइडेंटिटी विद इन द कांग्रेस एंड मैनी डिडेंट तो कुछ तो ग्रुप्स ने अपनी आइडेंटिटी को कांग्रेस के अंदर ही मर्ज कर दिया लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने नहीं करा एंड दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस एज ग्रूप्स एंड इंडिविजअल्स होल्डिंग डिफरेंट बिलीवस तो जिन्होंने मर्ज नहीं करा वो ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे एग्जिस्ट करना कांग्रेस के अंदर जैसे कि उनके बहुत ही डिफरेंट बिलीवस थे तो वो उसी तरह से कांग्रेस के अंदर एग्जिस्ट करते रहे इन दिस बिकेम एन आइडियोलॉजिकल कोलिशन तो एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन का क्या मतलब था यानी कि बहुत सारी जो आइडियोलॉजीज थी उनकी कोलिशन बन गई कांग्रेस तो कांग्रेस के अंदर अब इतने ज्यादा अलग आइडियोलॉजीज के लोग एग्जिस्ट करने लग गए थे जैसे कि कुछ रेवोल्यूशनरी थे कुछ पैसिफिस्ट थे कुछ कंज़र्वेटिव थे कुछ रेडिकल थिंकिंग को बिलोंग करते थे कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे कुछ मॉडरेट थे कुछ राइट right आइडियोलॉजी को बिलोंग करते थे कुछ लेफ्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करते थे एंड ऑल शेड्स ऑफ द सेंटर तो इतने सारे अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग जो थे वो कांग्रेस ने इंक्लूड कर लिए थे एक आइडियोलॉजिकल कोल्यूशन फॉर्म कर लिया था तो एक तरह से कांग्रेस की जो डोमिनेंस है वो इस चीज़ में छुपी हुई है कि कांग्रेस एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोल्यूशन थी तो कांग्रेस ने विद टाइम अपने जो पार्टी है उसके अंदर बहुत से ऐसे डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ और डाइवर्स ग्रुप्स को अकोमोडेट करा मर्ज करा कि जिससे कांग्रेस जो है वो और ज़्यादा पावरफुल बन गई थी ठीक है तो कई ये था कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोल्यूशन थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल था दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर